हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्या कि प्रकाश किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज एनर्जी दैट गिव्स सेंस टू सी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। आप कई बार देखे होंगे, यानी कि ये समझ में कैसे आएगा? ये तो बहुत की परिभाषा है, इसे रट लिया, ऐसे नहीं होता है फिजिक्स। मैं आपको बताऊं क्या कि प्रकाश क्या है। जब भी हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, या फिर मैं खुद को देख पा रहा हूँ किसी मिरर में, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे चित्र बन पा रहा हो, जैसे जल में हुआ, ऐसी जगह पे कहीं पे भी अगर हम अपना चित्र देख पाते हैं, अपना फोटो देख पाते हैं मिरर में जा करके, या फिर किसी भी पेड़ पौधे को, या फिर किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, तो वो कैसे देखते हैं? तो ये कहीं ना कहीं लाइट के वजह से ही संभव है, किसी भी चीज़ को देख पाना, यानी कि प्रकाश की वजह से ही ये संभव है। तो कैसे देखते हैं, ये भी तो बात हुई ना। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश उस वस्तु पे पड़ती है, फिर उस वस्तु पे से प्रकाश हमारे आई पे आता है रिफ्लेक्ट होकर के, जिसके कारण से हम उस वस्तु को सुस्पष्ट तरीके से देख पाते हैं। तो मैं आपको एक इमेज में दिखा दूँ यहाँ पे, क्या कि देखिए यहाँ पे एक इमेज में आपको दिख पा रहा होगा कि एक कोई व्यक्ति है ना, जो क्या करता है, इस पेड़ को देख पाता है अभी, इस पेड़ को देख पाता है अभी ये व्यक्ति, है ना। तो ये कैसे देख पाना इसको संभव हुआ? क्या ये सूर्य की अनुपस्थिति में देख पाता? नहीं। तो ये क्या कर रहा है सूर्य यहाँ पे, कि ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट ट्री को दे रहा है ना। कहाँ पे दे रहा है? तो ये ट्री को दे रहा है, और ये फिर ट्री से जो प्रकाश का प्रवर्तन जो हो पा रहा है, तो उसी ये व्यक्ति के पास आई में जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कहीं रह जाती है इस व्यक्ति के आँख के पास। तो क्या होता है, जिस जिस भाग से प्रकाश का प्रवर्तन होकर के इस व्यक्ति के आँखों पर जाता है, वो व्यक्ति उस भाग को सुस्पष्ट तरीके से देख पाता है। यही होता है हमारे दैनिक जीवन में, यानी कि कभी हम अपने घरों में देखते होंगे कि रात के सिचुएशंस में हमें कहीं जाना पड़ता हो, तो उस समय अगर हमारे बाल खराब हो, तो वहाँ पे हम अपने बाल को सीधी करने के लिए जब मिरर के पास में जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइट उस मिरर पे मारते नहीं, जबकि हम अपने फोकस, हम अपने फेस पे जलाते हैं लाइट। क्यों? क्योंकि हमारे फेस से ही अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस मिरर पे जाएगी, तब तो हमें वो दिखाई पड़ेगा ना, अदरवाइज वो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि किसी जिस वस्तु से प्रकाश का प्रवर्तन होकर हमारे आई पे आता है, हम उसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यही सिचुएशन है इस प्रकाश के प्रवर्तन में। तो इसका ये तो आप आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसको हम परिभाषा दे देते हैं। तो इसका परिभाषा के लिए 1 मिनट। व्हाट इज लाइट, पहले हम इसी को देख लेते हैं, है ना। कर्सर गायब हो गया था। व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंस टू सी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंस टू सी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अभी इसका हिंदी का ये परिभाषा हो जाएगा, ये देख लीजिए हिंदी का परिभाषा। एक्चुअली हिंदी लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाता। यानी कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे है जो वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करती है, यानी कि यही कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति मिलती है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं कभी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाइम की अनुपस्थिति के कारण वीडियो नहीं बन पाती है, सॉरी फॉर दैट।
तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त जिससे हमें किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है।